आज का श्रावण मास का आरंभ का दिन है। ये कल्याण कर्नाटक ग्राम का आराध्य देव महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर देवस्थान में आज अमावास के दिन श्रावण मास प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ दर्शन के लिए हैदराबाद कर्नाटक उतने नहीं, अपने नज़दीक का आंध्र महाराष्ट्र तेलंगाना दूर से ही भक्तगण आते हैं और महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर दर्शन का दर्शन कर लेते हैं। सुबह ही आधे बजे सुबह सुबह आधे बजे ही पैदल चलते लोग दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। सुबह 4 बजे महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर समाधि को, जीव समाधि को रुद्राभिषेक और सहस्र बुलवार्चन रहते हैं। ये श्रावण मास कैसे मनाते हैं बोले तो, ये श्रावण मास पूरा एक महीना शिव का आराधन करने का मास, श्रावण मास बोलते ही शिव का आराधन करने का मास। इतना ये श्रावण मास में एक महीना पूर्ण एक महीना जो भक्ति भाव से तन मन धन से जो भक्त शिव का आराधन करते हैं, शरण बसवेश्वर का आराधन करते हैं, महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर उनको आशीर्वाद पूर्ण तरीके से आशीर्वाद दे देते हैं। और यहाँ का विशेषते ये श्रावण मास महीने में शरण बसवेश्वर संस्थान के 8वें पीठाधिपति महादासवे शरण बसवप अप्पा उनका त्रिकाल लिंग पूजा, जो इष्टलिंग पूजा रहते हैं वो त्रिकाल इष्टलिंग पूजा अप्पा जी कर लेते हैं और उनके साथ साथ गुरु जी का पाद पूजा ही अप्पा जी कर लेते हैं। और वैसे उनके साथ साथ महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर संस्थान के 9वें पीठाधिपति चिरंजीव कुमार दोड्डापप्पा उनका ही इष्टलिंग सामूहिक इष्टलिंग का महापूजा रहते हैं और उनका साथ साथ और दासो महामनीय महामाते ही करके बुलाते हम किनको, डॉक्टर दाक्षिणी अव्वा जी को, उन्हीं भक्त सामूहिक भक्त उनका समेत उनका ही इष्टलिंग महापूजा और प्रसाद दासो में होते हैं। एक महीना यहाँ भक्ति श्रद्धे से पूजा चलते हैं, सभी भक्त लोग आते हैं श्री शरण बसवेश्वर का दर्शन कर लेते हैं। सुबह 8:30 1 बजे टाइम ही नहीं रहता, सुबह 4 बजे आज पूजा चलते हैं, 5 बजे तक पूजा हो जाते हैं, पूजा होने के बाद सामूहिक भक्तों के लिए भाग्य दर्शन का रहते हैं। त्रिकाल पूजा रहती है यहाँ सुबह 4 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम 6 बजे त्रिकाल पूजा श्री शरण बसवेश्वर की पूजा रहते हैं और अप्पा जी का इष्टलिंग महापूजा त्रिकाल पूजा रहते हैं। यहाँ के लोग हर तरीके से जाति भेद कौन से है, जाति धर्म का पंथ भेदभाव नहीं रहते, सभी जाति वाले लोग आते हैं, महादासेश्वरी शरण बसवेश्वर का दर्शन लेते हैं और दासो महामनी में प्रसाद ले लेते हैं, अप्पा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं।